हाय फ्रेंड्स, ये है बीटेक ब्रो और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एनर्जी अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करा था, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स और क्या है उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस आपके प्रोसेस के लिए और आपके साइकिल के लिए। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको काफी छोटे छोटे बेसिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट लॉ के बाद पता होने चाहिए जिससे कि आप आगे इसको ढंग से समझ सके। इसके अंदर मैं एंथैल्पी जो वर्ड है उसको कवर करने वाला हूँ कि वो क्या बला है, क्या है वो, इस वीडियो के अंदर वही चलेगा। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पॉप हो गई होगी वीडियो, जाके देखना। अब आता है एनर्जी या प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। एनर्जी, आपको पता है एनर्जी क्या होती है? बेसिकली आपने पहले पता करा था थर्मोडायनेमिक्स में कि एनर्जी आपकी दो तरीके की होती है। एनर्जी अगर आप ट्रांजिट में ले तो दो तरीके की होती है, वर्क और हीट। इतना तो आपको पता ही होगा कि जब आप सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन कराते हैं तो उसके बीच में दो तरीके से इंटरेक्शन हो सकते हैं, आपके हीट से या फिर वर्क से। तो यहां पे मैं मान लीजिए एक वो मानता हूं, कोई भी एक वो मानता हूं सिस्टम जो पहले तो वन स्टेट से टू स्टेट पर गया ए वाले पाथ से, फिर वो वापस टू से वन गया बी पाथ से, ठीक है। अगर मैं इस वाले प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ लगाऊं, यानी ए जो प्रोसेस है उसके लिए फर्स्ट लॉ लगाऊं, तो आपका क्यू ए आता है क्यू ए इक्वल्स टू डेल्टा ई ए प्लस डब्ल्यू ए, यानी जो आपका चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ ए प्लस वर्क ऑफ ए। अब ऐसे ही बी प्रोसेस के लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं तो क्यू बी इक्वल्स टू डेल्टा ई बी प्लस डब्ल्यू बी, ये दो आपके इक्वेशन आ गए। अब इन्हें सेपरेट कर देते हैं। अब अगर मैं यहां पर देखूं, इन दोनों को भी कंसिडर नहीं करेंगे, अगर मैं यहां पर देखूं तो वन से लेकर टू के बीच में ए और बी एक साइकिल बना रहे हैं। अभी मैं सी को नहीं कर रहा हूं, ए और बी को ले रहा हूं, ये एक साइकिल बना रहे हैं। और फॉर अ साइकिल सिग्मा डब्ल्यू साइकिल इक्वल टू सिग्मा क्यू साइकिल, ये तो हमें पता था, ये फर्स्ट लॉ डिफाइंड है साइकिल के लिए। देयर फोर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, एंड इसमें हम इंटर शिफ्टिंग कर देते तो क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस क्यू बी, ये पता चल गया। अब यहां से आप क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है डेल्टा ई ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा ई बी। अब इसको मैं साइड कर देता हूं, मान लीजिए मैंने बी की जगह सी वाला प्रोसेस ले लिया। अब जब मैंने सी वाला प्रोसेस लिया और यही दो इक्वेशन निकाली तो सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जगह सिर्फ बी की जगह पर सी आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में, तो ऐसे ही इसका भी आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा ई सी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो हमारी एनर्जी है वो एक सिस्टम की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। अब आप देखिए कोई भी साइक्लिक इंटीग्रल किसी भी प्रॉपर्टी का जीरो होता है, जैसे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू जीरो एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो, या बहुत सारे जो भी हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एंट्रोपी कुछ भी है सब जीरो ही होता है साइक्लिक इन अ साइकिल। अब बताए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब यहां पर हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स की, क्या है डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी की। यहां पर हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेसिकली आपकी जो एनर्जी है, ई जो हमने वर्ड लिया था फर्स्ट लॉ के अंदर वो क्या है, वो है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन, यानी जो सिस्टम के अंदर पूरी एनर्जी, अब ये दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। जबकि मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है यानी मैक्रो लेवल पे, यानी पूरा सिस्टम की होल डिफाइन होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? एम वी स्क्वायर बाय टू, मास यहां पे हो गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपॉन टू, और यहां पे हो गया एम जी जेड, ये जेड हो गया आपका एलिवेशन फ्रॉम द आर्बिट्री डेटम, इतना तो पता ही होगा। अब आगे चलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये बात अब थोड़ी सी आपको पूरी तरह समझ लेनी पड़ेगी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जब आप बात करते हैं इसकी एनर्जी की। तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो यहां पे माइक्रोस्कोपिक एनर्जी का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली रियल एनर्जी है आपकी, देखा जाए तो ये वैसी एनर्जी है जो सिस्टम को क्रिएट करने काम आती है। कोई सिस्टम जब भी हम क्रिएट करते हैं या भगवान ने क्रिएट किया तो उसके अंदर जो एनर्जी दी है वो है उसकी इंटरनल एनर्जी, और वो इंटरनल एनर्जी हमारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। अगर आप इन दोनों को कंसिडर करें ऊपर की एनर्जीज को, तो ये
आपकी पोजीशन पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, जो आपने उसको लिया है उस सिस्टम को, कितनी हाइट पे लिया, कितनी वेलोसिटी से चलाया, कुछ भी लिया, वो आपने खुद अज्यूम करा है। लेकिन ये रियल एनर्जी है, ये उसके अंदर सच में प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम को बनाने के काम आती है। ये इंटरनल एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर की एनर्जी, अगर आपका सिग्निफिकेंस देखे तो ये वो एनर्जी जो सिस्टम को क्रिएट करने के काम आती है। तो ये क्या है, यू यू हो गई आपकी ट्रांसलेशन एनर्जी का सम, रोटेशनल एनर्जी का सम, वाइब्रेशनल एनर्जी का सम, केमिकल एनर्जी का सम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सम, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का सम, और आगे चलते चले जाएंगे, काफी तरीके की होती है। अब पहला था ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिशन, ट्रांसलेशनल मोशन करना, इधर उधर जाना। रोटेशन मतलब एक दूसरे के अबाउट रोटेट करना। वाइब्रेशन मतलब बीच में स्प्रिंग लगा लीजिए, ये दोनों एटम्स एक दूसरे के वाइब्रेट कर रहे हैं। केमिकल केमिकल एनर्जी, उनके बीच हो गए केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रही है तो। इलेक्ट्रिकल कोई करंट बह रहा है तो। और न्यूक्लियर बाइंडिंग, न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से अगर कुछ उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो। तो यहाँ पे कैपिटल ई क्या आता है, फाइनली कैपिटल ई आता है आपका ई के प्लस ई बी, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस आपका यू, यानी इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली ई वो जो फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, वो टोटल एनर्जी है, वो सच में टोटल एनर्जी है जो हमने सिस्टम की ली थी, और साथ में जो हमने उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था, यानी जो आपके पोटेंशियल एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट आता है, हमने उसको भी उसमें ऐड कर रखा है। फॉर पीडीवी वर्क, अगर हम खाली पीडीवी वर्क कंसिडर करें तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। क्यों? क्योंकि जब हम वर्क को कंसिडर करते हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्क को कंसिडर करते हैं, ये बहुत गहरी बात है, जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्क को कंसिडर करते हैं तब हम डब्ल्यू को पीडीवी वर्क लेते हैं। वाह वाह, क्या बात बता दी। असली बात तो अब है कि हमने ई को यू लिख दिया, ये बात आपने ध्यान दी। यहां पे मैंने डी क्यू में डी यू लिख दिया, पहले लिखा होता था असल में ई। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यह कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालते हैं तो हम, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल फैक्टर्स को जीरो लेके चलते हैं। हम सिर्फ ये अज्यूम करते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। ये बात ध्यान रखने की, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जब हमने पीडीवी वर्क करा था, हमने क्या करा था, बेसिकली उसके प्रेशर के वेरिएशन से वॉल्यूम का वेरिएशन करा था। अंदर के प्रेशर, जो गैस का इंटरनल प्रेशर है, वो धक्का देने के काम आता है आपके पिस्टन को, और वो पिस्टन फिर वॉल्यूम में चेंज लाता है। और हमने एज्यूम करा था कि पिस्टन ऑल ओवर, जो पिस्टन का प्रेशर है वो ऑल ओवर कॉन्स्टेंट है। ये भी बात सच है, हमने पिस्टन के प्रेशर को ऑल ओवर को कॉन्स्टेंट लेके चला था। लेकिन जब यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो एनर्जी होगी वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगी। अगर अभी नहीं समझ में आया तो भी मैं आपको एंथैल्पी समझाऊंगा, पूरा ढंग से समझ में आएगा। फटाफट आगे चलते हैं। अब आते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी स्मॉल सी एंड उसका सबस्क्रिप्ट वी, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अंडर वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, या वेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इसका आपको फील बताऊं लिटरली में कि इसका मतलब क्या है, वो है, अगर आप मान लीजिए आपने पिस्टन लिया है, आपने इस पे पिस्टन के ऊपर यहां स्टॉपर लगा दिए जी। अब आपने इसे यहां से फूकना शुरू कर दिया, यहां से इसमें अंगारे लगा दिए। अब जैसे ही आप इसको यहां से फूकना शुरू करोगे, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, गैस का तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे प्रेशर भी बढ़ेगा। अब जब यहां प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहां आपने स्टॉपर लगा रखा है, उसकी जबरदस्ती आपने ऐसी तैसी कर रखी है। तो क्या होगा, जितनी आपने हीट इसको दी, वो इसका टेम्परेचर राइज करने में काम आएगी, और जैसे ही इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी भी राइज होगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आपका ये अट्रैक्शन रिपल्शन, जो आपके कोलिजन है, ये बढ़ जाएंगे और इंटरनल एनर्जी फाइनली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, सी इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल टी व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अब तो समझ में आ गया होगा भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होगा, डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू सी वी डी टी। अब आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगी, नहीं आप खुद ही बता दो, मैंने अभी आपको इससे बताया कि जो इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है वो क्या होगी, चेंज इन टेम्परेचर या हीट जितनी आपने दी है,
जितनी हीट आपने दी है वही इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम आई है, क्योंकि इसने कुछ भी काम नहीं करा, सिर्फ खाली बैठा रहा, गैस का टेम्परेचर बढ़ता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा, लेकिन काम नहीं हुआ। तो इसीलिए ही फाइनली यहाँ पे मैंने आपको उसमें थोड़ा समझाया, देख लेना अगर आपको मैथमेटिकली समझना है। तो सीधी बात आती है आपकी, डेल्टा यू की जगह आ जाएगा क्यू, देयरफॉर क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू T1 से T2 CV dT, या फिर CV इक्वल्स टू DQ बाई DT एट कॉन्स्टेंट U या V, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है वो आपका आपका क्या होता है, हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपका इंटरनल एनर्जी। अब इसको मैं करता हूं, ये तो हो गई आपकी स्पेसिफिक हीट, अगर मैं इसे मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाता है आपका हीट कैपेसिटी यानी MCV विच इज इक्वल टू कैपिटल CV, और उसकी यूनिट होती है जूल पर KG, जूल पर केल्विन लिखा है मैंने, पता नहीं, देख लेना। ठीक है, वो और आपको पता है कि CV प्रॉपर्टी होगी सिस्टम की, क्योंकि आपने एक सिस्टम को ही एक पर्टिकुलर चीज पर रोक रखा है इसलिए उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और आपको अगर यहां से लग रहा होगा कि भाई क्यू तो प्रॉपर्टी होती नहीं है सिस्टम की, तो यहां से क्यों जा रहे हो, आपने तो ऊपर डिड्यूस करा था ना, आपने तो DU/DT लिखा था, और वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल एनर्जी भी प्रॉपर्टी होती है और टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए ही आपका हो गया CV प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ये वो नहीं है, इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी आपकी जान यानी आपकी एंथैल्पी। अभी एंथैल्पी क्या बोला है, एंथैल्पी कुछ नहीं है जी, एंथैल्पी एक हीट का सबसेट है, पहली बात तो ध्यान से सुन लो। एंथैल्पी को दुनिया इतनी बुरी तरह बदनाम कर रखा है कि आपको आधी जगह तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज स्मॉल एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, यहाँ पे स्मॉल एच स्पेसिफिक एंथैल्पी को लिखा है मैंने, विच इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन एम, आपको अगर पता होगा तो स्पेसिफिक नाम लगाने से नीचे मास से डिवाइड हो जाता है। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर मास से डिवाइड कर दिया है। तो H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, अगर मैं इसका फील बताऊं ना आपको तो आपको सुन के मजा आ जाएगा। असल में एंथैल्पी कुछ नहीं है, असल में एंथैल्पी आपकी टोटल हीट कंटेंट है जो किसी सिस्टम के अंदर है, किसी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट बताती है एंथैल्पी, ध्यान से सुनना, किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट बताती है एंथैल्पी। अब मैं इसको ढंग से समझाता हूं, अगर आपको पता होगा कि यू क्या होता है इंटरनल एनर्जी, और पी होता है प्रेशर, और वी होता है वॉल्यूम। यहां पे अगर मैं इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करूं तो क्यू इक्वल्स टू ई प्लस डब्ल्यू था, तो यानी अगर ई को मैंने यू मान रखा, दोनों एनर्जीज हैं, दोनों वर्क हैं, तो क्यू और एच में क्या डिफरेंस आ गया। ये मन में बहुत तगड़ा सवाल पैदा उठता है लोगों के कि हीट और एंथैल्पी में असल में फर्क क्या है। पहला डिफरेंस, एंथैल्पी इज अ सबसेट ऑफ हीट, एंथैल्पी एक पर्टिकुलर केस है उस हीट का, यानी बेसिकली वो किसी चीज को आसान बना रही होगी तभी हमने उसे अलग से डिफाइन करा है। हमने एंथैल्पी को क्यों डिफाइन करा जब हमें पता है कि हीट है, इसलिए डिफाइन करा क्योंकि जब हम एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेके चलते हैं, जब हम एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेके चलते हैं, जो एंथैल्पी चेंज आती है वो होती है आपकी एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट थ्रू हीट या फिर वर्क अदर देन PdV वर्क यानी एक्सपेंशन वर्क। ये बेसिकली उस वर्क को डिफाइन करने में काम आती है जो पीडीवी वर्क के अलावा है, क्योंकि हमने पीडीवी वर्क डिफाइन करना तो सीख लिया था फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट लॉ से पीडीवी वर्क निकालना सीख लिया था, इतना आसान है, ग्राफ बनाओ, ये करो, वो करो, फर्स्ट लॉ लगा लो, सिंपल है। लेकिन जब आपको अदर देन पीडीवी वर्क निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप एंथैल्पी का सहारा लोगे, क्योंकि एंथैल्पी बेसिकली वो वर्क निकालने के काम आती है जो पीडीवी वर्क के अलावा होता है, क्योंकि पीडीवी वर्क आपको पता है, अगर आप टोटल में से माइनस कर दोगे इस एंथैल्पी को तो आपको पीडीवी वर्क निकल जाएगी, या टोटल में से पीडीवी को माइनस कर दोगे तो आपकी बची हुई जो या आपका पीवी ये वाला जो वर्क है ये आपका निकल जाएगा। तो बेसिकली मैं पूरा ढंग से बताऊं आपको, तो एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड इट इज द टोटल कंटेंट, क्या है सिस्टम का पूरा कंटेंट वो है, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी ऐसा नहीं है कि एंथैल्पी आपकी वो है इंटेंसिव, एंथैल्पी कोई वो नहीं है, एंथैल्पी बेसिकली टोटल कंटेंट है कि आपके उसमें कंटेंट कितना है, कितनी एनर्जी है उसके अंदर प्रेजेंट। बल्कि आपको पता होगा कि कोई भी एनर्जी आप किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, इसलिए ये डायरेक्ट मेजर नहीं होती है, इनडायरेक्ट तरीके से मेजर होती है, डेल्टा एच वाले तरीके से,
इसके अंदर भी आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ये एक आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमने क्यों डिफाइन करी प्रॉपर्टी, मैं दोबारा बताता हूँ, बिकॉज इट मेक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इजियर। ये एनर्जी ट्रांसफर के मीनिंग को आसान करती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, यानी जब हम एक कॉन्स्टेंट प्रेशर लेते हैं, तो जो एंथैल्पी चेंज होती है वो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है एनवायरमेंट की थ्रू हीट या वर्क अदर देन पीडीवी वर्क। तो ये वर्क निकाल सकती है जो हम सिंपल क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू से निकाल नहीं सकते, यानी जो पीडीवी वर्क से निकाल पाते थे। हम पीडीवी वर्क निकाल पाते थे उससे, इससे हम अदर वर्क भी निकाल सकते हैं। तो एंथैल्पी तो बस अभी इतनी है, इसके आगे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इस एंथैल्पी पर। अब मैं आगे चलता हूं, फटाफट आपको तीसरा टॉपिक बताता हूं। अब बात करता हूं मैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की। मैंने अभी आपको एंथैल्पी पूरी बता दी है, जितना अभी आपको पता होना चाहिए। आगे मैं आपको सेकंड लॉ के बाद उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है? आप मान लीजिए आपने वही सेम टू सेम पिस्टन वाला अरेंजमेंट लिया, पर उसका स्टॉपर हटा दिया। जब आप उसका स्टॉपर हटाएंगे, जो आपने हीट सप्लाई करी वो क्या क्या काम करेगी? वो वर्क भी करेगी और वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम भी आएगी। तो आपने क्या देखा? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, उसकी टोटल एनर्जी नहीं बढ़ी। उसका ई नहीं बढ़ा है, उसका यू बढ़ा है, क्योंकि उसके अंदर हमने पिस्टन को कोई मूवमेंट, जो आपका पूरा सिलेंडर है, ना तो आपने उसे ऊपर नीचे करा, ना उसको भगाया, आपने उसको स्टिल रखा सिलेंडर को। सिर्फ पिस्टन ही तो मूव कर रही है, सिर्फ अंदर की गैस ही तो मूव कर रही है, या पूरा का पूरा सिलेंडर आपने भगा दिया? नहीं भगाया ना पूरा सिलेंडर। तो जब आपने पूरा सिलेंडर नहीं भगाया, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो काम ही नहीं आएगी, आपकी एंथैल्पी की इक्वेशन काम आएगी। जब आपकी एंथैल्पी की इक्वेशन काम आई, तो एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी से आप देख सकते हैं, यू था आपका इंटरनल एनर्जी और जो आपका पीवी था वो था वर्क, वो था डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो इस कंडीशन में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो आपने यू इंटरनल एनर्जी जो बढ़ी और जो उस पर वर्क हुआ, उसका सम क्या हो जाएगा? एंथैल्पी। देयरफॉर हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। ये बात बहुत जरूरी है, चेंज हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये इस पूरे के अंदर मैंने बता रखा, और सीपी होता है डिफाइंड डेल एच बाई डेल टी एट पी। देयरफॉर हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू सीपी डी टी फ्रॉम टी वन से टी टू। अब आता है लास्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आपने जी उसे पूरा आइसोलेट कर दिया, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसकी कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, उसमें कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा, यानी उसके अंदर डी क्यू जीरो और डी डब्ल्यू जीरो। तो देर फोर डी ई इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम फर्स्ट लॉ। और जब डी इक्वल्स टू जीरो है, देन ई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सीधी बात है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। तो यही मैं वीडियो फटाफट खत्म करता हूं। पसंद आता है लाइक मारो, और अगर चैनल के लिए नए हो, गलती से आ गए हो, या पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। कुछ भी करो, बस इस वाले लाल बटन पे, इस वाले पे क्लिक हो जाना चाहिए, लाइक भी होना चाहिए, लाइक, ये दोनों जरूरी है, जरूरी। अगली वीडियो के लिए मिलता हूं, तब तक के लिए पीस आउट।